Assalamu alaikum, welcome back. Hope you all are fine and enjoying your vacation. Okay, I hope कि आपको कल जो टास्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. तो हम चलते हैं आप आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ ऑन स्किल बूस्टर पेज नंबर 21. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस माई आर्ट. वॉट इज आर्ट? Art is the expression of ideas and emotions through a physical medium like painting. Okay, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी skills use हो रही हैं वो है speaking skill और listening skill. The first ELO of this topic is hold crayons, color pencil and paint brush correctly. यानी आपने crayon, color pencil और paint brush को सही तरीके से पकड़ना है. The other one is recognize and use a variety of medium and colors to express their imagination and observation. अपने तख्लीकात और मुशाहिदात के इजहार के लिए मुख्तलिफ मीडियम और रंगों को पहचाने और इस्तेमाल करें. तो देर इज़ अ नोट फॉर पेरेंट्स के डियर पेरेंट्स, वॉच द गिवन वीडियो एंड हेल्प योर चाइल्ड टू कम्प्लीट द गिवन टास्क एक्टिविटीज़. यानी प्यारे वालदैन, दी गई वीडियोस देखें और अपने बच्चों को दिए गए टास्क सरगर्मियों को मुकम्मल करने में मदद करें. ओके, then we come to this line, use crayons, color pencil or any medium of color to color the given picture. Talk about yourself, tell your likes and dislikes and what you enjoy the most in school. What would you like to be when you give up? आपने यहाँ पर कलर्स का कोई भी मीडियम यूज़ करना है, पेंसिल कलर, मार्कर कलर्स और एनी कलर्स. और आपने अपने बारे में बात करनी है, अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बात करनी है और आपने हमें बताना है कि आपको स्कूल में कौन सी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा करने में मज़ा आता है और जब आप हार मान जाएंगे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे. ओके, अब हम देखेंगे कि हमने कैसे कलर्स करने हैं. टेक दिस कलर. आपने क्या करना है, ऑलवेज कलर इन द सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डायरेक्शन में कलर कर रहे हैं तो आपने इस ही डायरेक्शन में कलर करना है. एंड इफ़ यू नीड टू एड मोर कलर्स यू हैव टू फॉलो द सेम डायरेक्शंस. आपने नेक्स्ट टाइम भी इसी ही डायरेक्शन में कलर करने हैं और इसी तरह ये टास्क आपने कंप्लीट करना है और कलर्स को फिनिश करना है. आई होप आपको ये वीडियो लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़. इफ़ यू नीड मोर हेल्प और इन्फॉर्मेशन यू कैन स्कैन दिस QR कोड.